नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण का एक प्रकरण जो है अशुद्धि संशोधन, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अशुद्धि संशोधनम क्या होता है? शुद्धि कस्मै न रोचते, तो शुद्धि ही कस्मै, यानी कि शुद्धि जो है वो किसी को नहीं रोती। यथा जीवने आहार व्यवहार आदिषु सर्वत्र शुद्धि अपेक्षिता भवन्ति, तथैव भाषा व्यवहारे अपि शुद्धि इष्यते। संस्कृतेन भाषण पठन लेखनादि व्यवहार क्रियते चेत शुद्धि सविशेषण आवश्यकी थी। यानी कि यहाँ पर जो है वो शुद्धि जो है वो आहार व्यवहार है सभी जगह जो है वो शुद्धि अपेक्षित होती है, और हमारे व्यवहार में भी शुद्धि इच्छा, हम व्यवहार में भी जो है वो शुद्धि इच्छा करते हैं। संस्कृत में जो है वो भाषण पठन लेखन इत्यादि व्यवहार में जो है वो शुद्धि विशेषम शुद्धि जो है वो बहुत ही विशेष है और आवश्यक भी है। यानी कि हमारे जो है वो व्यवहार में, आचरण में, पठन में, लेखन में, भाषण में इत्यादि में जो है वो शुद्धि जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए कि संस्कृति कारक विभक्ति समास संधि प्रत्यय लिंग इत्यादि सम्यक ज्ञान भावाद अशुद्धय भवन्ति, तन्निवारणाय अभ्यास करणीय इति कानि च उदाहरणानि अत्र दीयते। यानी कि हमारे जो ज्ञान का जो भाव है उसमें का संस्कृत में कारक विभक्ति समास प्रत्यय संधि लिंग आदि जो है वो अशुद्ध है, इसलिए उनके निवारण के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए इति कानि, और इसके लिए हमें कुछ जो है वो उदाहरणों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए विभक्ति विषयकम अशुद्धि संशोधनम। ठीक है ना, विभक्ति विषय का जो है वो हम अशुद्धि जो है उसको क्या कर रहे हैं, अशुद्धि संशोधन कर रहे हैं कि अशुद्ध से शुद्ध वाक्यों को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कृष्णम इति वसुदेवः पुत्रः। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृष्णः इति वसुदेवः पुत्रः। ठीक है ना, यानी कि ये जो है यहाँ पर कृष्ण म लगने से बाकी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कृष्णः इति वसुदेवः पुत्रः। ठीक है, इसके बाद में देखिए विष्णुः वैकुंठे अधिष्ठेते। ठीक है ना, तो विष्णुः वैकुंठ म अधिष्ठेते, यानी विष्णु जो है वो क्या करते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं। यहाँ पर क्या है, कृष्ण जो है वो क्या है, किसके पुत्र है, वसुदेव के पुत्र है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पर जो है वो इसके बाद में सज्जन आसने अधितिष्ठति, तो इसमें क्या है, सज्जन आसन आसनम दिष्टति दि तिष्ठति, यानी कि सज्जन जो है वो क्या है, वो आसन पर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ग्रामशः परितः वृक्षा सन्ति, और ग्राम के जो है वो चारों ओर में क्या है, वृक्ष है। ग्राम के पास में जो है वो क्या है, वृक्ष है।
ठीक है ना। इसमें ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ठीक है ना। नगरस्य निकषा उपवनम अस्ति, और इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि नगरम निकषा उपवनम अस्ति, ठीक है ना। यानी इसके बाद में गुरुजनस्य अनुसरति, यानी तो इसका शुद्ध वाक्य हम हो जाएगा गुरुजनम अनुसरति, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में रामस्य सह सीता वन वनम गच्छत, तो रामेण सह सीता वनम गच्छत, ठीक है ना। इसके बाद में नेत्रात काण, तो नेत्रण काण, इसका नेत्रात काण का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा नेत्रण काण, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए पादस्य खंज, तो इसका इसका बात शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों पादेन खंज, यानी कि हमें जो है अशुद्ध जो वाक्य है उनमें विभक्ति के आधार पर इन वाक्यों को हम शुद्ध यहाँ पर कर रहे हैं। कृष्णम इति वसुदेव पुत्र, तो इसका शुद्ध वाक्य है कृष्ण इति वसुदेव पुत्र, विष्णु वैकुंठे अधिशेते, तो विष्णु वैकुंठम अधिशेते, ठीक है ना। सज्जन आसने अधितिष्ठति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सज्जन आसनम अधिष्ठति, ठीक है ना। ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। नगरस्य निकषा उपवनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा नगरम निकषा उपवनम अस्ति, ठीक है ना। गुरुजनस्य अनुसरति, तो इसका क्या हो जाएगा गुरुजनम अनुसरति, और इसका रामस्य सह सीता वनम गच्छत, तो रामेण सह सीता वनम गच्छः। नेत्रात काणः, तो इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य नेत्रम काणः। और पादस्य खंजः, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों पादेन खंजः, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे की ओर हम चलते हैं, देखिए जटाभ्यतापसो अस्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा जटाभितापसो अस्ति, जटाभितापसो अस्ति है विवादात अलम, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा विवादेन अलम, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में देखिए कल हात किम, तो इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य जो है वो कल ही ना किम। भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, ठीक है ना। इसका मां रूप्यकाणि देहि, तो इसका हो जाएगा मां रूप्यकाणि देहि, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अगला हमारा वाक्य क्या है बालकम फलम रोचते, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बालकाय फलम रोचते, ठीक है ना। रमा दुग्धम स्वदते, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा रमाये दुग्धम स्वदते। राजा भृत्ते क्रुद्धति, तो राजा भृत्ताय क्रुद्धति, ठीक है ना। बालकम स्वस्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा बालकाय स्वस्ति, ठीक है ना। जनकम नमः, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा जनकाय नमः, ठीक है ना। इसके बाद में सह शिक्षकम निवेदयति, तो इसका हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य जो है वो सह शिक्षकाय निवेदयति। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों, इनके वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है। इसके बाद में हिमालय गंगा निर्गच्छति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिमालयात गंगा निर्गच्छति,
ठीक है ना। इसके बाद में पापेन विरमति, पापेन विरमति, तो इसका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य जो है पापात विरमति। सत्यम मा प्रमद, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सत्यात मा प्रमद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम जो है वो अशुद्ध वाक्यों से विभक्तियों के आधार पर जो है वो शुद्ध वाक्यों को बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और देखते हैं हम। देखिए, बालः सिंहेन बिभेति, ठीक है ना, तो बालक क्या कर रहा है सिंह से डर रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बालः सिंहात बिभेति। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए, रक्षकः चौराय त्रायते, ठीक है ना, तो रक्षक जो है तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा रक्षकः चौरात त्रायते। ठीक है ना। इसके बाद में शिक्षकेण गणितम पठति, तो यहाँ पर शिक्षक का शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा शिक्षकात गणितम पठति। ठीक है, आचार्याय अधीते, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा आचार्याद अधीते। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए, लोभेन क्रोधो भवन्ति, लोभी क्या कर रहा है क्रोध को कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा लोभात क्रोधो भवति। ठीक है, इसके बाद में बीजे पादपः जायते, और बीज से क्या होता है पौधा जो है वो उत्पन्न होते हैं, तो इसमें इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य बीजात पादपः जायते। ठीक है, इसके बाद में माता गुरु तरा भूमि, तो माता इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा माता गुरु तरा भूमि। ठीक है, इसके बाद में पठनस्य अनंतरम, है ना, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा पठनाद अनंतरम। ठीक है, इसके बाद में केन ही तुम ह बसति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा केन ही तुना बसति। ठीक है ना, उसके बाद वृक्षे ऊपरी काग तिष्ठति, तो वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है कौवा बैठा है, तो वृक्षस्य ऊपरी काग तिष्ठति। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमारा क्या हो गया वृक्षस्य ऊपरी काग तिष्ठति। ठीक है, उसके बाद वृक्षेभ्यः अधः छाया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा वृक्षाणाम अधः छाया, यानी वृक्ष के नीचे क्या है दोस्तों छाया है। ठीक है ना, तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा वृक्षाणाम अधः छाया। ठीक है, इसके बाद में भोजनेन कृते गच्छामि, तो इसका हो जाएगा हमारा भोजनस्य कृते गच्छामि, यानी कि भोजन करने के लिए जाओ। ठीक है ना, या भोजन करने के लिए गए। ठीक है ना, तो इसमें हमारा इसका शुद्ध वाक्य जो है वो भोजनस्य कृते गच्छामि हमारा हो जाएगा। कटकम आस्ते, तो इसका हो जाएगा कटे आस्ते। ठीक है, उसके बाद में कभी भी कालिदासः श्रेष्ठः, और इसका क्या हो जाएगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, तो कवियों में कौन श्रेष्ठ है दोस्तों, कवियों में कालिदास जो है वो क्या है वो श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम जो है वो हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्यों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। देखिए, पिता पुत्रस्य स्नेहाति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि पिता पुत्रे स्नेहाति, इसका क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों पिता पुत्रे स्नेहाति। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए, स रामस्य विश्वसीति, यानी कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा रामे विश्वसीति। ठीक है ना, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा रामे विश्वसीति।
मृगस्य बाणं क्षिपति, तो इसमें क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य है मृगे बाणं क्षिपति, यानी कि मृग क्या कर रहा है, बाण को देख करके छुप रहा है, ठीक है ना। तो इस मृगस्य बाणं क्षिपति का हमारा शुद्ध वाक्य हो गया मृगे बाणं क्षिपति, ठीक है। इसके बाद में रमा कार्यस्य कुशला, यानी कि रमा जो है वो क्या है, कार्य में कुशल है, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा रमा कार्य कुशला, ठीक है ना। इसके बाद में महेश कार्येण संलग्न, तो महेश जो है वो कार्य में संलग्न है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा महेश कार्य संलग्न, ठीक है। श्याम गायनात दक्ष, श्याम जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, यानी गायन को देख रहा है, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा श्याम गायने गायने दक्ष, ठीक है। इसके बाद में कि विद्या बुद्धि वर्धते, विद्या बुद्धि वर्धते, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा विद्या बुद्धि वर्धते, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए शिक्षकाय समक्षम छात्र पाठ पठति, तो ये क्या कह रहा है कि शिक्षक के सामने जो है वो छात्र जो है वो पाठ को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा शिक्षकस्य सक्षम छात्र पाठम पठति, ठीक है ना। यानी कि शिक्षक के जो समक्ष है वो छात्र जो है वो पाठ को पढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाल बाले अश्य स्नेहाति में मम मनः, और इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि बाले अस्मिन् सिंहाति में मनः, ठीक है ना। यानी कि बाले अश्य, तो इसका क्या हो जाएगा, बाले अस्मिन् सिंहाति में मनः, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम जो है यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों से हम शुद्ध वाक्यों को यहाँ पर विभक्तियों के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि लिंग पुरुष वचन लकार विषय, लकार विषय यकम अशुद्धि संशोधन, यानी कि लिंग पुरुष वचन और लकार इत्यादि के विषय में जो है ये वाक्यों का जो है अशुद्ध वाक्यों का जो है वो शुद्ध वाक्य में संशोधन करके हमें जो है वो शुद्ध वाक्यों को यहाँ पर बनाना है। देखिए स बालकः पश्यति, तो इसका हो जाएगा सह बालकम पश्यति, यानी कि बालक क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में बालकः गच्छतः, बालकः गच्छतः, तो इसका हो जाएगा बालकः गच्छति, शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों बालकः गच्छति। रामः हसामि, तो रामः हसामि, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा रामः हसति, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में देखिए छात्रा लिखसि, तो छात्रः लिखति, शुद्ध वाक्य हो जाएगा छात्रः लिखति। उसके बाद में अहम गच्छति, तो अहम गच्छामि, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य हम क्या करेंगे, अहम गच्छामि, इसमें किसके किसके आधार पर कर रहे हैं दोस्तों, हम लिंग वचन पुरुष इत्यादि के लकार इत्यादि के आधार पर हम इन अशुद्ध वाक्यों को जो है वो संशोधित करके शुद्ध वाक्य के रूप में हम परिवर्तित कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए त्वयं त्वयं पिबामि, त्वयं पियामि, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वयं पिबसि, ठीक है ना, त्वयं पिबसि, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं इसके आगे देखिए वयम हसावः, तो इसका शुद्ध वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा, वयम हसामः, ठीक है ना दोस्तों, वयम हसामः छात्रो वदन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा
छात्राः वदन्ति, ठीक है। स कलमातः लिखन्ति, तो वो क्या कर रहे हैं, सभी जो है वो सभी क्या कर रहे हैं, यानी वह जो है वो क्या कर रहा है, वो कलम से लिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सह कलमेन लिखति, शुद्ध वाक्य सह कलमेन लिखति। उसके बाद में स बालकः यच्छति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सह बालकाय यच्छति, ठीक है। इसमें सह रामस्य सह गच्छति, तो स सह रामस्यः सह गच्छति, यानी कि सह रामेण सह गच्छति, ठीक है ना। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सह रामेण सह गच्छति, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए भवान कुत्र गच्छन्ति, भवान कुत्र गच्छन्ति, तो इसका हो जाएगा भवान कुत्र गच्छति, हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, भवान कुत्र गच्छति। यूयं पठ, यूयं पठ, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा यूयं पठतः, ठीक है। स मम भ्राता अस्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सः मम भ्राता अस्ति, ठीक है ना दोस्तों। इसमें सः मम भगिनी अस्ति, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सः मम भगिनी अस्ति, ठीक है। इसके बाद में अहम तव नाम जानामि, तो इसका हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा अहम तब नाम जानामि, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए अहम तब कार्य जानी, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा अहम तब कार्य जानामि, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सुधा रामम पत्रम लिखति, तो सुधा रामाय पत्रम लिखति, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सुधा रामाय पत्रम लिखति, ठीक है। रमा रामाय पत्रम लिखामि, तो रमा रामाय पत्रम लिखति, ठीक है ना। रमा क्या कर रही है, राम के लिए क्या कर रही है, पत्र को लिख रही है, ठीक है। पर्वताः रम्याणि सन्ति, ठीक है ना, तो पर्वत जो है वो क्या है, रमणीय है, जिनकी बहुत ही सुंदर है, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा पर्वताः रम्या सन्ति, ठीक है। वृक्षाणि रम्या सन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वृक्षाः रम्या सन्ति, यानी वृक्ष जो है वो बहुत ही रमणीय है, ठीक है। ते मम मित्राणि अस्ति, तो इसका हो जाएगा ते मम मित्राणि सन्ति, ठीक है ना। यानी कि हम जो है यहाँ पर लिंग वचन विभक्त इत्यादि के जो है लकार इत्यादि के आधार पर इन जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्य के रूप में हम परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं देखिए अत्र भवान कश्यपः आयन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अत्र भवान कश्यपः आयाति, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अत्र भवान कश्यपः आयन्ति, तो इसमें क्या बन जाएगा, अत्र भवान कश्यपः आयाति, शुद्ध वाक्य क्या हो गया हमारा, कश्यपः आयाति। इसके बाद में ते कन्ये पठति, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें अशुद्ध वाक्य में क्या कह रहा है, ते कन्ये पठति, तो इसका शुद्ध हमारा वाक्य जो है वो बनेगा ताहा कन्या पठति, ताहा ताहा कन्या पठति, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए ते पर धनम न चोरयति, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ते पर धनम न चोरयति, इसमें क्या कह रहा है, ते पर धनम न चोरयति, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है ते पर धनम न चोरयन्ति, तो शुद्ध वाक्य हमारा हो गया चोरयन्ति, ते पर धनम न चोरयन्ति, ठीक है ना। इसके बाद
इदं कार्यं कठिनः अस्ति। ठीक है, तो इसका शुद्ध पद क्या हो गया, इदं कार्यः कठिनम् अस्ति। ठीक है ना, कठिनः, तो इसका शुद्ध वाक्य हो गया इदं कार्यं कठिनम् अस्ति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, सः विद्यालये द्वितीयकम् आसीत्। ठीक है, सः विद्यालये द्वितीयकम् आसीत्, तो इसका हम शुद्ध वाक्य करेंगे, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों, सः विद्यालये द्वितीय आसीत्। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय आसीत्। ते कक्षाया प्रथमम अतिष्ठम, अतिष्ठम। ठीक है ना, ते कक्षाया प्रथमम अधिष्ठनम। ठीक है ना, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सः कक्षाया प्रथमः अधिष्ठत। ठीक है ना, सः कक्षाया प्रथमः अधिष्ठत। ठीक है, उसके बाद में माहं दुग्धं न रोचे, माहं रुदुग्धं न रोचे, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, महम दुग्धम न रोचते। ठीक है ना, इसमें देखिए, त्वं प्रतिदिनं पठति, त्वं प्रतिदिनं पठति, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा, त्वं प्रतिदिनं पठति। ठीक है ना, तुम जो है वो प्रतिदिन क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है ना, अहम च ते च हसन्ति, तो इसका शुद्ध वाक्य हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अहम च ते च हसामः। ठीक है ना, हम जो है क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, है ना, और हम जो सब है, तो यानी वह भी हंस रहा है और हम भी हंस रहे हैं। वयम वृक्षात् पश्यन्ति, तो वो जो सब लोग हैं या हम सब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वृक्ष की तरफ देख रहे हैं, तो वयम वृक्षात् पश्यामः, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पश्यामः। ठीक है, भवान कुत्र गच्छामि, तो ये कह रहा है कि भवान कुत्र गच्छामि, तो इसका शुद्ध वाक्य हो गया, भवान कुत्र गच्छति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, नद्यः प्रवहति, नद्यः प्रवहति, नदी क्या क्या होता है, नदी का, नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो इसमें हो गया कि नद्यः प्रवहन्ति, नद्यः प्रवहन्ति, नदी जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो गया, नद्यः प्रवहन्ति। मृगः प्रतिदिनं शयस्यं अखादनं, तो मृगः प्रतिदिनं शस्यं अखादनं, तो इसका शुद्ध वाक्य हो गया कि मृगः प्रतिदिनं शस्यं अखादतः। ठीक है, अशुद्ध वाक्य देखिए दोस्तों, मृगः प्रतिदिनं शस्यं अखादनः, तो इसका शुद्ध वाक्य हमारा हो गया, मृगः प्रतिदिनं शस्यं अखादतः। ठीक है ना, अखादत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, ते स्वः पाठं स्मरन्ति, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या हो जाएगा, ते स्वः पाठं स्मरिष्यन्ति। ठीक है ना, इसका मतलब जो है वो जो है वो स्वयं जो है वो पाठ का क्या कर रहा है, स्मरण जो है वो उसको कर रहा है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो स्मरिष्यति, स्मरिष्यन्ति। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में माता हां गतवान, तो इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो माता हां हां गतवती, यानी कि इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा गतवती, माता गतवान, माता हा गतवान का शुद्ध वाक्य हो जाएगा गतवती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने जो है वो अशुद्धि जो संशोधन का जो प्रकरण था उसको हमने कुछ वाक्यों से यानी कि विभक्तियों के आधार पर भी हमने देखा, और लिंग वचन पुरुष
इत्यादि के आधार पर भी हमने इन वाक्यों को जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्यों में परिवर्तित किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अशुद्धि संशोधन का जो प्रकरण है वो हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।